नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत नमन। जन साधारण मनुष्य जब भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करता है तो समझता है कि मैं उस नारायण के नाम का उच्चारण कर रहा हूं जो वैकुंठवासी है, वैकुंठ के अधिष्ठान है। जन साधारण समझता है नारायण अर्थात मां लक्ष्मी के पति खीर समुद्र में जल समाधि विराजमान वो नारायण है। मंदिरों में जिस पावन मूर्ति की पूजा हो रही है वो नारायण है। और कई लोग श्रद्धा भाव से हर महीने पूर्णमासी के दिन नारायण के एक पावन पूर्ण रूप सत्यनारायण भगवान की कथा प्रसादी करके सोचते हैं कि इस दिन नारायण भगवान जल्दी राजी हो जाएंगे। ये सभी अपने अपने स्थान पर सत्य है, लेकिन जब अभ्यासु और जिज्ञासु गुरुद्वार का चयन करता है, गुरुवाणी श्रवण करके जब वो अंतर की यात्रा करने का संकल्प करता है तो सद्गुरु की वाणी उसे अनुभव करवाती है कि नारायण केवल वैकुंठ में नहीं, केवल क्षीर समुद्र में नहीं, केवल मंदिरों में नहीं, केवल लक्ष्मीपति नहीं, लेकिन गुरुदेव की तत्ववाणी हमें समझाती है कि नर और नारी के अयन में जो चेतना दे रहा है, जो विराजमान है वो नारायण है। साधक एक सीढ़ी आगे चढ़ जाता है। जो पूज्य गुरुदेव हम सबसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम उस नारायण तत्व को पाएं, उस नारायण की पूर्णता को पाएं। क्यों भगवान सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी को ही की जाती है? क्योंकि इसका नाम पूर्णमासी है, पूर्णिमा अर्थात आज चंद्रमा पूर्ण है। ऐसे ही हम अपने जीवन में पूर्णता को लाएं। और पूर्ण क्या है? ये संसार ये कभी पूर्ण नहीं हुआ, ये सदा अधूरा ही रहा है, सदैव असंतुष्ट ही रहा है। और जो संसार के मार्ग पे चलता है वो भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। कभी आप लोगों ने देखा है कि जब जब सत्संग पूरा होता है तो एक पूर्णावती का श्लोक सब लोग उच्चारण करते हैं, ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अशिष्यते। लेकिन इस श्लोक का प्रथम अक्षर ओम है, ओम पूर्ण मद। धनभागी हम साधक जो गुरुदेव ने हमें उस नारायण के तत्व में अर्थात ओमकार में हमें अभ्यास करने का मार्ग दिया। आज भी पूरे देश विदेश में लाखों साधक होंगे
जो बापूजी के वचन सुनकर ओमकार का अनुष्ठान कर चुके हैं, कर रहे हैं। ओम क्या है? ओम भगवान नारायण का आनंद स्वरूप है। आरती गाते हो ना शिवरात्रि पर, इसका एक अंतरा आता है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। कभी इसका अर्थ समझा है कि जो अविवेकी होते हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव अक्षर अर्थात ओमकार, ओम के मध्य ये तीनों एक है। लेकिन इसकी साधना अनंत फलदायी। कभी अपने आप से पूछा करो कि साधक की परिभाषा क्या है, साधक किसको कहते हैं। दो अर्थ हैं, एक तो बाह्य साधक, माथे पे तिलक लगाए, वस्त्र पहन ले, चर्चा में सम्मिलित हो जाए और कोई पूछे तो कहे मैं साधक हूं। लेकिन संतों की गहराई से देखिए, शास्त्रों की गहराई से देखिए, साधक किसको कहते हैं। भक्त प्रहलाद साधक थे, तभी तो भक्तिमती रानी ने उनकी रक्षा की। पूज्य बापूजी के श्री वचनों में मैंने सुना है कि एक बार पूज्य आनंद महिमा इसी आश्रम के सम्मुख जो आश्रम है वहां मां पधारी थी। पूज्य बापूजी को जैसे संदेश मिला तो कुछ साधक बैठे थे, गुरुजी उनके साथ बाहर मुख्य द्वार तक गए और माँ को आश्रम में भीतर आने के लिए कहा। माँ का समय आगे की यात्रा का था। माँ ने कहा बापूजी को, पिताजी फिर कभी जरूर आऊंगी। आनंदमयी माँ सबको संबोधन करती थी, वो नाम पिताजी था। लेकिन आसपास बहुत सारे साधक खड़े थे तो सबने हाथ जोड़कर कहा माँ चलिए ना। तो आनंदमयी माँ ने बापूजी को पूछा ये सब कौन है। बापूजी ने कहा माँ ये साधक है। माँ ने कहा नहीं ये सभी साधक हैं। कहा जी, कहा नहीं ये सब साधक नहीं है, इनमें से जो अभ्यासु होंगे, इनमें से जो जिज्ञासु होंगे, इनमें से जो नियम के पक्के होंगे, श्री वचनों में दृढ़ होंगे, तत्पर होंगे, वो वास्तव में साधक होंगे। बाकी बात से साधक कहो तो क्या, न कहो तो क्या। बापूजी मुस्कुराए और कहे हाँ ये सत्य है। अंतर्मन से साधक बनना जरूरी है। साधक शब्द का अर्थ क्या है कि जो साधक साधना करने के लिए तत्पर हो वो साधक है। जिसके जीवन में साधना की पुण्याई हो वो साधक है। जब साधना होगी तो मनुष्य सुख दुख को झेल लेता है, जैसे भक्त प्रहलाद झेल गया। होलाष्टक 8 दिन त्रास दिया गया लेकिन झेल गए, सह गए। जो सहेगा वो रहेगा। जयराम जी की। महिलाएं साक्षी हैं, जब जब पूजा बापूजी की आज्ञा से महिलाश्रम में शिविर होती है तो पूरे देश से माताएं आती हैं और अनुष्ठान करती हैं 7 दिन का। और 7 दिन बाद जब जाती हैं
तो हमारी आश्रमवासी बच्चियाँ पूछती हैं उनको, माँ अच्छा लगा, बहन जी अच्छा लगा? तो कहती हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो कहा क्या अच्छा लगा? तो कहा सबसे अच्छा तो आश्रम का वातावरण, सबसे अच्छा तो यहाँ का सात्विक भोजन। और अपने अनुभव में वो माताएं कह के जाती हैं कि सबसे अच्छा क्या, बोले यहाँ भजन करना नहीं पड़ता, गुरु कृपा से यहाँ भजन हो जाता। जयराम जी के यहाँ भजन हो जाता है, लेकिन कोई गुरुद्वार पर आकर रहकर भजन ना करे तो फिर निस्संदेह प्रकृति कहीं ना कहीं उसको कुछ शिक्षा देगी, उसको कुछ चोट देगी। एक बार पूज्य गुरुदेव का सत्संग सुन रही थी, इसमें प्रश्नोत्तरी चल रही थी। बापूजी से किसी साधक ने पूछा, गुरुदेव आप सदैव विराजमान हैं, पर कभी ऐसा समय आया गुरुदेव विराजमान न हुए तो हमारी जीवन यात्रा कैसी पूर्ण होगी? बापूजी मुस्कुराए और प्रेम से उसको पूछे, तुझे जीवन यात्रा का चिंतन हो रहा है, तुझे ये विचार क्यों नहीं आ रहा है कि मेरी साधना की यात्रा कैसे होगी? अर्थात साधक जरूर है, पर चिंतन जो है वो अपनी जीवन यात्रा का है, साधना यात्रा का नहीं है। उड़िया बाबा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष वृंदावन में रहते थे, कभी उनका जीवन चरित्र पढ़ के देखिएगा। शाम का पहर था, सत्संग चल रहा था और उनके ही सत्संगियों में से एक उठा, हाथ में कुछ तिरछा धार वाला साधन लिया, उड़िया बाबा के मस्तक पे पीछे से वार किया, वहीं उड़िया बाबा का मस्तिष्क दो भाग में बट गया। लेकिन जितने वहां पर सत्संगी प्रेमी बैठे थे उन्होंने इस पे वार किया और एक साथ आश्रम में दो प्रसंग घट गए। लेकिन इस प्रसंग का एक मूल सुना रही हूं। ये जो साधक कहने में आता था ये रहता तो घर था, लेकिन जहां आश्रमवासी भोजन करते थे ये हमेशा जिद करता था कि मैं इनके साथ बैठूंगा, क्योंकि मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं आश्रम वालों के साथ बैठूंगा। और आश्रम वाले हमेशा अड़ जाते थे, तू भले गृहस्थी नहीं है पर आश्रमवासी भी तो नहीं है, वहां बैठ, गृहस्थियों के पंगत में बैठ। वो कहता था क्यों बैठूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं। तो वो कहते थे आश्रमवासी नहीं है, ऐसे करके कई बार इनका मन मुटाव होता था। लेकिन उड़िया बाबा सदैव विशाल हृदय कह के कहते थे, अरे आश्रमवासी पंगत में बिठा दो, अरे तुम छोटे हो जाओगे क्या, इसको बिठाओगे तो तुम्हारा संन्यास भाग जाएगा क्या, बिठाओ इसको आश्रमवासियों की लाइन में बिठाओ, यहीं खाना खिलाओ। और उसको वहीं खाना खिलाया जाता था। प्रसंग क्यों सुना रही हूं, वो रोज आता था, रोज सत्संग सुनता था। लेकिन जो साधक के मूल लक्षण थे, जो नियम की दृढ़ता थी, जो सत्संग को जीवन में लाना, वो उसने अभी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया था। कई बार उनकी गांठें बन जाती थी और वो गांठें खोल भी नहीं पाता था। और जब गांठें नहीं खुलती हैं तो वो द्वेष बन जाता है, और जब वो द्वेष बन जाता है तो प्रतिशोध की भावना ले लेता है। फिर इंसान दाएं बाएं नहीं देखता है और कुछ ऐसे कर्मों से जुड़ जाता है कि उसको फिर से अनंत यात्राओं में आना पड़ता है।
अनंत अनंत प्रणाम करती हूँ हमारे सनातन धर्म संस्कृति को, इसके आधार ऋषियों को, गुरुदेव जैसे महापुरुषों को जिन्होंने ये पर्व बनाए, वास्तविक और तात्विक रीति से हमें मनाना सिखाया। सच कह रही हूं, अगर मुझसे 20 साल पहले पूछते होली तो मैं कहती रंगों का त्योहार, अगर मुझसे 20 साल पहले पूछते होली तो मैं कहती गेवर समोसा खाओ छुट्टी मनाओ, लेकिन अगर आज 20 साल बाद पूछोगे होली तो मैं बापूजी के वचनों को स्मरण करते हुए कहूंगी जो होली सो होली इसी का नाम होली।